हेलो स्टूडेंट्स, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 में सेक्शन 4, 5 एंड 6 इसके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं और सेक्शन 4, 5, 6 पे रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 4 ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 डील्स विद द डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन फॉर कंसोलिडेशन। ये धारा 4 जो है वो कंसोलिडेशन चकबंदी के संबंध में घोषणा इशू करने की और नोटिफिकेशन इशू करने की पावर के बारे में बात करती है, और सेक्शन 5 ये इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करता है कि धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन इशू होती है उसका प्रभाव क्या होगा, और धारा 6 सेक्शन 6 डील्स विद द कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। जो धारा 4-2 के अंतर्गत नोटिफिकेशन इशू की गई है उसके कैंसिलेशन की बात धारा 6 करती है, और इन धाराओं पर लगातार क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन अंडर यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, इसको पूछ सकता है डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन इशू करने की पावर के बारे में या प्रक्रिया के बारे में पूछता है, या इफेक्ट के बारे में पूछता है इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 4 क्लास 2, या उसके कैंसिलेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस पर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं 13, 14, 15, फिर 18 में डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन और उसके कैंसिलेशन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो सेक्शन 4 जिसकी चर्चा हम अपने पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, सेक्शन 4 का क्लास 1 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जब किसी डिस्ट्रिक्ट या उसके किसी पार्ट में कंसोलिडेशन करना चाहती, चकबंदी करना चाहती है, तो वो उसके बारे में एक डिक्लेरेशन इशू करेगी, और वो डिक्लेरेशन उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर, वो डिक्लेरेशन जो है वो ऑफिशियल गैजेट में इशू किया जाएगा, और साथ ही साथ वो लोकल न्यूज़पेपर जिस एरिया में चकबंदी होनी है उस पे जो सर्कुलेशन वाला लोकल न्यूज़पेपर होगा उसमें भी पब्लिश की जाती है, और साथ ही साथ उस यूनिट के जिस यूनिट में चकबंदी होनी है वहाँ पर जो सर्कुलेशन के अन्य कन्वीनियंस होते हैं उनके भी माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन उनको उसको सर्कुलेट करवाता है। ये इतना प्रोविजन करती है सेक्शन 4 का क्लास 1। सेक्शन 4 का क्लास 2 ये कहता है कि जब किसी ऐसे एरिया में जिसके बारे में डिक्लेरेशन इशू हो चुकी है सेक्शन 4 के क्लास 1 में, उसमें या किसी अन्य एरिया में कंसोलिडेशन किया जाना है, तो उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है, और जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देती है तो उसके बाद वो एरिया जिसके बारे में नोटिफिकेशन इशू किया गया है वो अंडर कंसोलिडेशन ऑपरेशन आ जाता है, वो चकबंदी के अधीन आ जाता है। ये कहता है सेक्शन 4 का क्लास 2। अब सेक्शन 5 इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 4 क्लास 2 की बात करता है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है सेक्शन 4 के क्लास 2 में उसका इफेक्ट क्या होता है, ये धारा 5 बताती है, और इस पर रिपीटेडली इधर 13, 14, 15 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट इफेक्ट नोटिफिकेशन का ये होता है, डिस्ट्रिक्ट टू बी डीम्ड टू बी अंडर कंसोलिडेशन ऑपरेशन। पहला प्रभाव ये होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, या उस डिस्ट्रिक्ट के उस पार्ट जिसके बारे में नोटिफिकेशन इशू की गई है उसको अंडर कंसोलिडेशन ऑपरेशन मान लिया जाता है, उसको चकबंदी क्रियाओं के अधीन मान लिया जाता है। ये पहला इफेक्ट। इसके बाद दूसरा इफेक्ट इसका ये होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ विलेज मैप फील्ड बुक एंड एनुअल रजिस्टर बाई DDC। तो उस एरिया का जिस एरिया में चकबंदी की नोटिफिकेशन इशू की गई है उसके जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसको मेंटेन करने की, और विलेज मैप प्रिपेयर करने की या फील्ड बुक या एनुअल रजिस्टर प्रिपेयर करने की पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के पास चली जाती है। अब इसके बाद जो उस एरिया के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उनको मेंटेन करना और विलेज मैप प्रिपेयर करवाना, फील्ड बुक प्रिपेयर करवाना या एनुअल रजिस्टर प्रिपेयर करवाने की पावर ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के पास चली जाती है, वही इनको मेंटेन करेगा और उन्हें वही इनको प्रिपेयर करवाएगा। और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन होता कौन है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन
उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है। तीसरा इफेक्ट ये है कि लैंड टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग पिस्टीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग। जब किसी एरिया के बारे में कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, नोटिफिकेशन इश्यू हो जाती है, तो नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद कोई भी टेनेंट, कोई भी लैंड होल्डर जो है वो अपनी लैंड को केवल एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए यूज कर सकता है, कृषि के लिए, हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी के लिए, या एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के लिए यूज करता है। और एनिमल हस्बेंड्री में ही पिस्सी कल्चर, मत्स्य पालन और पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट पालन भी आ जाता है। तो जब ये नोटिफिकेशन इश्यू हो जाती है तो लैंड को केवल इन्हीं पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकता है, इसके अलावा किसी अन्य पर्पज के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। अगर किसी अन्य पर्पज के लिए यूज किया जाना है तो इसके लिए उस होल्डिंग का जो होल्डर है उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना प्रायर परमिशन के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग पिस्सी कल्चर या पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा किसी अदर पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये है सब तीसरा इफेक्ट। चौथा इफेक्ट ये, टेनोर होल्डर इंटाइटेड टू यूज होल्डिंग फॉर पर्पजेस फॉर विच इट वेयर इन यूज प्रायर टू नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन इश्यू होने के पहले से ही उस लैंड को, उस एरिया में जो भी लैंड है, अगर उसको कोई लैंड होल्डर जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के अलावा किसी अन्य पर्पज के लिए पहले से ही प्रयोग करता आ रहा है, तब वो उस पर्पज के लिए उसको नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद भी प्रयोग कर सकता है। इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही कोई काम नहीं करता आया है तो केवल यही कार्य एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का ही कार्य कर सकता है। अगर किसी अन्य पर्पज के लिए लैंड को यूज करना है तब उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अधीन रहते हुए कि अगर पहले से किसी जिस प्रयोजन के लिए जमीन को यूज करता आ रहा है वो उसको वो टेन्योर होल्डर यूज करता रह सकता है। और लास्ट जो है वो ये अबेटमेंट ऑफ प्रोसीजिंग। उस एरिया में, जिस एरिया में कंसोलिडेशन ऑपरेशन होना है, वहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स से रिलेटेड, उनके करेक्शन से रिलेटेड, या लैंड में किसी राइट से या किसी अदर राइट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो ओरिजिनल डिस्प्यूट्स हो या वो अपील रिवीजन के ही लेवल पर है, वो नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद अबेट हो जाते हैं, उनका उपशमन हो जाता है, अर्थात वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अबेटमेंट से पहले दूसरे पक्षकार को सुना जाएगा और उसके बाद ही प्रोसीजिंग अबेट होगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 4 क्लास 2। ये इफेक्ट्स जो मैंने 5 इफेक्ट्स आप बताए आपको, ये सेक्शन 4(2) में नोटिफिकेशन इश्यू होने के इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो एक क्वेश्चन इस पर और बनता है वो है कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन, की जो नोटिफिकेशन इशू की गई है ये कैंसिल कैसे होती है। तो कैंसिलेशन से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 6 ऑफ UP कंसोलिडेशन एंड ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 में किए गए हैं। और सेक्शन 6 ये कहता है, सेक्शन 6 स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल आर एनी पार्ट ऑफ द एरिया स्पेसिफाइड, उस पूरे एरिया, होल एरिया में जिसमें कंसोलिडेशन ऑपरेशन जिसके लिए स्टार्ट है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन इशू की गई थी, उस पूरे एरिया के बारे में या उसके किसी अदर एरिया के बारे में, उसके किसी पार्ट के बारे में जो नोटिफिकेशन इशू की गई है उसको स्टेट गवर्नमेंट कभी भी वापस ले सकती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट उसको वापस ले लेगी नोटिफिकेशन को, तो उसका प्रभाव होगा कि उस एरिया में या उसके पार्ट में कंसोलिडेशन ऑपरेशन समाप्त समझे जाएंगे। ये माना जाएगा कि चकबंदी क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अगर ऐसे कैंसिलेशन से पहले किसी मामले में फाइनल आर्डर आ चुका है तो वो फाइनल आर्डर प्रभावी रहेगा। तो ये है नोटिफिकेशन का इफेक्ट और उसका कैंसिलेशन, एक अति महत्वपूर्ण पार्ट है जिसपे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।